अपनी आंखों को राइट यूज करें, अपने कानों को राइट यूज करें। जो देखने का है और उसके जो फैसला उस देखने के साथ अल्लाह ताला ने रखा है वो फैसले लेना शुरू कर दें। जो कानों का सुनना है और सुनने के साथ जो अल्लाह ताला के फैसले दिए हैं आप वो करना शुरू कर दें और इग्नोर ना करें। पता है अल्लाह के रसूल के बारे में आता है कि कभी अल्लाह के रसूल के साथ ऐसा नहीं हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई शख्स आया हो और वो बोले कि मुझे ये करना है, ये चाहिए, अल्लाह के रसूल कहेंगे मेरे पास नहीं। पॉसिबल सिचुएशन निकाली, इग्नोर और एराज नहीं किया, अल्फाज दे दिए, मोटिवेशन दे दी, तरगीब दे दी। कोई इंसान कुछ नहीं दे सका तो एक थपथपी दे दी इंसान, लेकिन जो मुंह फेरना होता है ना, सरफे नजर करना, ये जो इंसान करेगा दुनिया के अंदर अल्लाह का फतवा और फैसला सुने। अल्लाह कहता है उलाइका कल अनाम, ये इंसान जो बहुत खूबसूरत दिखता है, बहुत अच्छे घर में रहता है, बहुत अच्छी फैमिली के साथ रहता है, बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, बहुत अच्छा दुनिया में जो है ना चलता फिरता है, एकेडमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस के एस्पेक्ट से बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छा खाता है, अच्छा पीता है, एक सुकून जिंदगी है, अल्लाह कहता है ये सब मिला के भी ये क्या है, ये कल अनाम ही जानवरों की तरह। और फिर अल्लाह कहता है बलहुम अवल, जानवर भी अल्लाह के मुती फरमाबरदार और अल्लाह के अथात गुजार होते हैं, अल्लाह के सिस्टम को समझने वाले होते हैं, अल्लाह के सिस्टम को रिस्पॉन्ड बैक करने वाले होते हैं, लेकिन ये उससे भी गया गुजरा और गिर जाता है, बलहुम अवल, उससे भी नीचे हो जाता है। और यही इंसान क्या होता है, गाफिल होता है, जिसको मैं कह रहा था ना कि गफलत का इजहार करना, मुंह फेरना, क्या कह रहा है, ये जुर्म है बहुत बड़ा।